gamers, my name is Michael Roy, I don't know where you are. So first TikTok hack, your items are not safe. Anyone can steal from it. But there is an actual way to lock your chest. Oh, you can lock your chest in Minecraft. How? Place anvil. And then humko chest ko name dena hai. Lock. Colon. 1, 2, 3, 4. Wow. क्या ये सही में काम करता है? ओके चेस्ट, ओ भाई चेस्ट लॉक हो गया, ओ माय गॉड। एंड उसको अनलॉक करने के लिए जो भी आइटम है उसको हमको पासवर्ड देना है, डायमंड 1, 2, 3, 4 एंड अनलॉक हो गया। तो ये मांगे माइनक्राफ्ट के ब्रांड न्यू नए वर्ल्ड में। एंड अभी यहाँ पर हम ये चीज टेस्ट आउट करेंगे कि क्या हम सही में चेस्ट को लॉक कर सकते हैं माइनक्राफ्ट में, जिसकी मदद से आप अपना कीमती सामान, प्रीशियस सामान, मतलब छुपा के रख सकते हो भाई अपने दोस्तों से वगैरह। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एनविल को ऐसे रखना था एंड उसके ऊपर हमको एक नॉर्मल चेस्ट कौन सा भी लेना है और उसको हमको रीनेम करना था चेस्ट। उसके बाद ऐसा अजीब सा ये वाला ब्रैकेट था, देन हमको लॉक लिखना था कैपिटल LOCK। एग्जैक्टली मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ये मैंने लॉक लिख दिया। देन उसके बाद हमको ये वाला कोलन चाहिए था एंड देन हमको ये वाला साइन लेना था, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। एंड देन इसके बाद हमको पासवर्ड रखना था, सो 1, 2, 3, 4 एंड 4 तक ही पासवर्ड है। देन इसके बाद इसको ये कंप्लीट करना है एंड देन हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। मैंने एग्जैक्टली सेम पासवर्ड डाला है जैसा कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, या मैंने सेम चीज़ करी है। देन ये चेस्ट आ गया मेरे पास, इसका जो नाम है या इसको हमने लॉक कर दिया है। एंड देन इसी चेस्ट के अंदर हम सारा का सारा हमारा कीमती सामान रखेंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर ये मैंने चेस्ट यहाँ पर रखवा दिया, ये ओपन, अबे हो रहा है ओपन, व्हाट आई मीन आर यू सीरियस भाई, ये ओपन हो रहा है भाई, क्या बकवास है ये। थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे फाइनली मालूम हो चुका है कि ये हम किस तरीके से हम माइनक्राफ्ट में चेस्ट को लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि ये चीज़ जो है वो क्रिएटिव में ही काम करती है, तो आपको क्रिएटिव में ही आना पड़ेगा। देन उसके बाद हमको चेस्ट को यहाँ पर रखवा देना है, मतलब आप कौन से भी चेस्ट को लॉक कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। मैंने यहाँ पर एक चेस्ट को रखवा दिया, देन हमको इसी चेस्ट की तरफ देखना है एंड स्लैश दबा के यहाँ पर लिखना है डेटा, उसके बाद मर्ज, उसके बाद ब्लॉक एंड देन हमको बस 3 बार टैप 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 मतलब दबा देना है। देन उसके बाद हमको ये अजीब सा ब्रैकेट लेना है, देन उसके बाद यहाँ पर लिख देना है LOCK लॉक, उसके बाद हमको यहाँ पर एक कोलन डालना है एंड देन वो अजीब सा साइन एंड उसके बाद हमको यहाँ पर ये वाला पासवर्ड डाल देना है, जो भी हम यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। देन ये अजीब सा साइन और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो फाइनली ये चेस इस तरीके से लॉक हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर एंटर करूंगा एंड आप इस चेस को ओपन करने की कोशिश करोगे तो ये ओपन नहीं होगा। एज यू कैन सी ये चेस्ट लॉक है, ऐसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है। एंड अगर मुझे इस चेस को ओपन करना है तो सिंपली मुझे यहाँ पर एक एनविल लेना पड़ेगा एंड यहाँ पर वही पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि हमने वहाँ पर डाला है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है 1, 2, 3, 4 एंड जैसे मैं इससे उसको ओपन करूंगा ये ओपन हो जाएगा एंड इसकी मदद से हम इसके अंदर नॉर्मल सामान रख सकते हैं। सो अगर मैं सर्वाइवल में भी आके इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा ना, देखो मैं सर्वाइवल में आ गया एंड इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन नहीं होगा। लेकिन ये उसी से ओपन होगा अगर मैं इसके ऊपर ये पासवर्ड डालूँ 1, 2, 3, 4, ये तभी ओपन होगा। अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मल ओपन करता हूँ तो देखो ये ओपन नहीं होगा। सो इट वर्क्स। तो यहाँ पर नीचे क्ले है एंड ऊपर बेडरॉक लगा दिया, आई गेस ये कोई बेडरॉक का रूफ बना रहा है। एंड यहाँ पर ड्रिप लीफ है तो हमको ड्रिप लीफ को यहाँ पर लगाना है, उसको बोन मिल करना है। ओ वो बेडरॉक को ब्रेक कर सकता है भाई, सीरियसली हम डीप लीफ की मदद से बेडरॉक को ब्रेक कर सकते हैं, लेट्स ट्राई दिस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे क्ले लगानी है जस्ट लाइक दिस, इसके ऊपर ही हम डीप लीफ को लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, कोई यहाँ पर ये लगा देना है एंड देन हमको यहाँ पर एक बेडरॉक का रूप बनाना है जिसकी मदद से ये डीप लीफ बेडरॉक को तोड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है क्योंकि माइनक्राफ्ट में बेडरॉक तोड़ना लगभग नामुमकिन है, हम किसको तोड़ ही नहीं सकते। बट लेट्स टेस्ट दिस आउट, आई डोंट नो कि ये काम करेगा या नहीं, बट लेट्स सी। वेट व्हाट, नहीं ये नहीं का, वहां पर तो टूट गया था इजीली भाई, हाउ आई मीन कुछ गलत हो रहा है कि यहाँ पे, वेट इट इज नॉट वर्किंग। अगर मैं इसको यहां से करता हूं तो देखो ये ऊपर ग्रो हो रहा है लेकिन ये बेडरॉक को तोड़ नहीं रहा भाई, मतलब वहां पर तो इजीली बेडरॉक टूट गया था। अगर मैं यहां पर भी ये क्ले लगा दूं और ये नया बेपलीफ लगाऊं और उसको बोन मिल करूं तो नहीं ये बेडरॉक को तोड़ नहीं सकता, मतलब माइनक्राफ्ट में कोई भी चीज बेडरॉक को तोड़ नहीं सकती। तो आई गेस वहां पर किसी रिसोर्स पैक या डेटा पैक का यूज किया होगा, डिस्पेंसर और डिस्पेंसर्स, ओके और एक डिस्पेंसर एंड वहां पर एक बटन लगाना है रेड स्टोन, क्या कर रही है। एंड डिस्पेंसर के अंदर हमको उसके अंदर हेलमेट, देन चेस्ट प्लेट, देन जूते एंड ऊपर जूते आई मीन पैंट एंड जूते, ओके एंड देन ये बटन दबाते ही इसकी मदद से माइनक्राफ्ट में ऑटोमेटिकली आर्मर पहन सकते हैं। तो इसके लिए हमको बस डिस्पेंसर चाहिए, तो यहाँ से डिस्पेंसर उठा लेते हैं, ये आ गया डिस्पेंसर एंड देन हमको बस नॉर्मल हमारा आर्मर चाहिए, हम यहाँ से नेदराइट का आर्मर लेंगे भाई, अगर आर्मर चाहिए ही तो नेदराइट का आर्मर यहाँ से हम लेंगे। ये चीज़ हम बनाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमको एक डिस्पेंसर यहाँ पर ऐसे नीचे लगाना था, देन उसके बाद एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर एंड एक यहाँ पर ऐसे, परफेक्ट मैंने सारे डिस्पेंसर्स लगा दिए। एंड उसके बाद हमको बटन को यहाँ पर लगाना था आई गेस एंड रेडस्टोन को नीचे,
परफेक्ट मैंने लगा दिया। देन उसके बाद हमको सारे डिस्पेंसर्स के अंदर एक एक चीज़ डालनी थी। तो इसके अंदर मैं चेस्ट प्लेट डाल देता हूँ, इसके अंदर हम रखेंगे हमारा पैंट, इसके अंदर हम रखेंगे जूते, और इसके अंदर हम रखेंगे हमारा हेलमेट। एंड देन हमको क्या करना है, अभी मैंने कोई भी आर्मर पहना नहीं है, आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं है। एंड मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ एंड ये क्लिक करता हूँ, तो पूरा आर्मर मेरे ऊपर आ जाता है। ओ माय गॉड, सीरियसली इट वर्क्स। लेट्स ट्राई विथ डायमंड आर्मर। तो यहाँ पर हम कौन सा भी आइटम कहीं पर भी रख सकते हैं, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हमको कौन सा भी आइटम कहीं पर रखना है। तो एंड ये आर्मर को अभी मैं उतार देता हूँ, एंड अभी हम ट्राई करेंगे ये चीज डायमंड आर्मर के ऊपर। एंड अभी ना मैं अपना व्यू चेंज कर आपको दिखा देता हूँ, व्यू चेंज करके देखो। ओ माय गॉड, मैंने डायमंड का आर्मर पहन लिया ऑटोमेटिकली, मतलब हमको खुद से आर्मर पहनने की कोई जरूरत नहीं है, हमको बस इस मशीन की जरूरत है। इसको हम अपना एक प्राइवेट ड्रेसिंग रूम भी, ड्रेसिंग रूम भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हम अपना आर्मर खुद मतलब पहन सकते हैं। इज द नेक्स्ट टिकटॉक हैक, शल्कर बॉक्स के अंदर इतने सारे डायमंड्स एंड गोल्ड के ब्लॉक्स है। ओके, देन हमको इसको तोड़ना है पिकैक्स से। एंड देन यहाँ पर ये पिगलिंग का बच्चा है, वो हॉगलिंग या जो भी उसको बोलते हैं, उसको दो तीन बार मारा, देन शल्कर बॉक्स ड्रॉप करा। ओ, उसने उठा लिया एन आयरन, नो वे, ये आयरन भी उठाएगा, गोल्ड, भाई आयरन क्या बोल रहा हूँ मैं। ओ, उसने गोल्ड का इंगेट उठाया, ओ माई गॉड। देन हम उसको मार देना है, देन उसके बाद हमारे पास दो शल्कर बॉक्स आ जाएंगे एंड दोनों के अंदर सेम आइटम्स है। आई नीड टू ट्राई दिस, और इसके लिए हमको जाना पड़ेगा नरक में, नेदर में जाना पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना नेदर पोर्टल बना के इसको अभी एक्टिवेट करते हैं, एंड लेट्स गो इनटू द नेदर। एंड वापस जाकर हम ये चीज़ ट्राई करेंगे, उस बंदे के ऊपर है, उसको जो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड मुझे वो बायो स्टेशन वाला या उसको जो भी है उस बायो को मुझे फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा उसी वाले बायो में था और वो इजीली हमको मिल जाएगा। देखो मिल गया भाई, इतनी जल्दी मिल गया, बहुत सही। तो ये चीज़ बस हमको यहीं पर ट्राई करनी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर उस पिगलिंग के बच्चे को हॉग लेंगे, उसको जो भी, उसको हमको यहाँ पर स्पॉन करवाना है। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाना है, जिसके अंदर हम उस बंदे को, उस छोटे से बच्चे को कैद करके रखेंगे, एंड देन हम उसके साथ ट्रेडिंग करेंगे, मतलब बिजनेस करेंगे, और बाद में उसको मार देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर ऑलरेडी एक बच्चा है, अभी उस इसी को तो कैद करते ना, देन हमको मतलब दूसरा स्पॉन करने की जरूरत ही नहीं है। अरे रुक रहा यार, क्या पागल है ये, मरना भाई, क्या पागल है ये, मरना है क्या तुझे भी। ये बच्चा मेरे को अमीर बनाने वाला है, ठीक है, मतलब बहुत सारा गोल है मेरे को भी देने वाला है। तो इसके लिए भी हमको एक शल्कर बॉक्स चाहिए, और ये आ गया शल्कर बॉक्स। और इस शल्कर बॉक्स के अंदर हम बहुत सारा सामान रखेंगे, मतलब डायमंड जो भी हमारा गोल्ड है। तो सबसे पहले ऐसे डायमंड के ब्लॉक्स ले लेते हैं, 64K में दो स्टैक्स लूँगा, एंड इनको मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ, ठीक है। एंड अभी मुझे एक गोल्ड का इंगट चाहिए, जिसको मैं इसको इसके हाथ में दूंगा, ठीक है, एक गोल्ड का इंगट। एंड देन मुझे इसको मारने के लिए एक डायमंड की स्वॉर्ड भी चाहिए। यहाँ से एक डायमंड की पिकैक्स ले ली, एंड अभी हम आ सकते हैं सर्वाइवल में। तो अभी मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया, देन मुझे इसको मारना था एक बार, दो बार, एंड देन ये ड्रॉप कर देना था शल्कर बॉक्स, उठा ले, उठा लिया, एंड देन गोल्ड इंगट। ओ माय गॉड भाई, सीरियसली उसने उठा लिया, ओके दो होने चाहिए भाई, मेरे पास ऑलरेडी एक है, ये बकवास यहाँ पे। अरे नहीं, एक ही मिला, व्हाट भाई, एक ही दिया इसने, वहां पर तो डुप्लीकेट हो गया था। इसके अंदर मेरा सारा का सारा गोल्ड है, ये वाला शल्कर बॉक्स मेरे पास खाली पड़ा था। अरे यार, इट इज नॉट वर्किंग। यहाँ पर बहुत सारे डॉग को स्पॉन करा दिया है, आई डोंट नो व्हाई, एक गड्ढे के अंदर दो ब्लॉक नीचे वो कुछ ज्यादा डॉग स्पॉन कर दिए, एंड देन इनके बीच में एक लामा। ओके भाई, लामा एंड डॉग की दुश्मनी होती है। ओ भाई, सारे के सारे डॉग्स उससे डर रहे, ओ माय गॉड भाई, सीरियसली मुझे पता नहीं था कि लामाज और डॉग्स की बनती नहीं है, उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है भाई, सीरियसली। लेट्स ट्राई दिस थिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी हमको एक गड्ढा बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लामाज को स्पॉन करेंगे। वुल्फ का एग चाहिए, मतलब बहुत सारे हमको यहाँ पर डॉग को स्पॉन करवाना है। ये आ गया वुल्फ का एग, एंड देन वी नीड लामा एग। भाई लामा इतना ज्यादा पावरफुल होता है, मुझे सीरियसली पता नहीं था। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हमको यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ स्पॉन करने हैं, बहुत सारे कुत्ते, इतने सारे कुत्ते मैंने यहाँ पर स्पॉन करा दिए, भौ 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 भौ, एंड देन मस्त एक ही लामा। ओ सीरियसली, एक सेकंड भाई, सारे के सारे डॉग्स लामा को भी मार रहे हैं, देखो उनकी आंखें लाल होगी। अरे वो उनके ऊपर अटैक भी तो करते हैं, ओ माय गॉड भाई, देखो लामा तो वर्सेस डॉग्स, बट आई गेस डॉग्स जीत जाएंगे, क्योंकि लामा मतलब इतने सारे डॉग्स है तो वो इसको इजिली मार देंगे, देखो मार दिया, ओ वाओ। तो यहाँ पर बहुत सारे लामाज एंड बहुत सारे डॉग्स, अभी देखते हैं अभी कौन जीतता है। अभी डेफिनेटली लामा जीतेंगे, क्योंकि ज्यादा लामाज है और डॉग्स कम है। लेट्स सी कौन जीतता है। ओह नो भाई, सारे के सारे डॉग्स मर, ओह नो, एक लामा मर गया, ओह माय, दो लामाज मर गए, तीन लामाज मर गए, चार लामाज मर गए, अभी बस दो लामाज बाकी है, एक लामा बाकी है, एंड ये भी मर जाएगा बहुत जल्दी, मर गया भाई। डॉग्स बहुत ज्यादा पावरफुल है माइनक्राफ्ट में, मतलब डॉग्स आर द बेस्ट। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, आपको डिबस ना होगा, एंड आपको सबसे बढ़िया वाला है कौन सा, लेट मी नो कमेंट सेक्शन। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।